नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। दीनदयाल फाउंडेशन की टीम गोरखपुर के द्वारा गोरखपुर में जरूरतमंदों को मकर संक्रांति के पावन पर्व के उपलक्ष में अन्नदान किया गया, जिसमें जिला महिला अध्यक्ष श्रीमती ज्योत्सना तिवारी, श्रीमती रीता तिवारी, जिला प्रभारी अंजलि त्रिपाठी, जिला उपाध्यक्ष पुनीता मिश्रा, अर्चना पांडे, प्रेमलता सिंह, बिंदु मिश्रा, अंशु त्रिपाठी, ज्योति विश्वकर्मा, मीना मिश्रा, अनीता शाही एवं मीना देवी उपस्थित रही। संस्था अध्यक्ष हेमंत पांडे एवं उपाध्यक्ष अमित द्विवेदी की तरफ से इस सराहनीय कार्य के लिए टीम गोरखपुर को ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। संस्था दीनदयाल फाउंडेशन आज पूरे देश में अपने कार्यों की वजह से विख्यात है। संस्था के पदाधिकारियों की, संस्था सदस्यों की इसमें अहम भूमिका है, जिसके चलते चार प्रदेश के राज्यों के राज्यपाल द्वारा संस्था के सराहनीय कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। संस्था दीनदयाल फाउंडेशन निरंतर जरूरतमंदों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। हर किसी के सुख दुख में हमेशा संस्था की सहभागिता रहती है। संस्था दीनदयाल फाउंडेशन ने देश भर में लाखों परिवारों में खुशियां बिखेरी हैं, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। जहां किसी एक परिवार पालना पोषण करना मुश्किल हो जाता है, वहीं संस्था दीनदयाल फाउंडेशन के पदाधिकारी पूरे समाज का पालन पोषण कर रहे हैं। आप लोगों का स्नेह मार्गदर्शन दीनदयाल फाउंडेशन को मिलता रहेगा तो संस्था निरंतर सेवा करती रहेगी। कहीं नहीं जाएंगे। गोरखपुर टीम आज दीनदयाल फाउंडेशन के तरफ से जो है सारे गरीबों को मकर संक्रांति के उपलक्ष में चावल, दाल, नमक और हल्दी वितरण कर रही है। भूजा है, लाई और गुड़ सबको वितरण किया जा रहा है। ये हमारे गोरखपुर की टीम कर रही है दीनदयाल फाउंडेशन संस्था के लिए। तो इधर देखिए सारे लोग हैं। हम अपनी मकर संक्रांति इन सबके साथ मिलके मनाएंगे। हाँ, थोड़ा सा उधर जाके आप ले लीजिए। हाँ, साइड से ले लीजिए। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे नया भारत दर्पण समाचार के साथ।